हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और मैं हूँ अभी, आप देख सकते हैं कहाँ पे, मुंबई के हाउस में। मैं संडे को ही आ गई थी, लेकिन कल भी घर बहुत गंदा हो चुका था तो कल क्लीनिंग किया। आज भी थोड़ा पार क्लीनिंग करना पड़ेगा, एक दिन में इतना सारा नहीं होता, देवज को भी देखना पड़ता है, बाकी का काम भी रहता है। जो आप देख सकते कपड़े मेरे, मैंने कल धो दिए थे तो अभी उसे भी फोल्ड करना बाकी है, खाना बनाना बाकी है, देवज का नहाना बात भी बाकी है, बहुत सारे काम है। मुझे पार्लर भी जाना है, आप देख सकते हैं मेरा आईब्रो कितना बढ़ चुका है। मैं बीमार थी, आपको पता है मेरा हाथ जल गया था, तो इसकी वजह से मैं कब दिवाली के वक्त पार्लर नहीं जा पाई थी। तो ऐसे ही दिवाली का तो ऐसे ही निकल गई कि मुझे कुछ करना ही नहीं, ऐसा मन ही नहीं करता था। हर वक्त वो बीमारी दिमाग में रहती थी और हाथ दर्द कर रहा था, तो ऐसा कुछ फ्रेश नहीं लग रहा था, लेकिन अब ठीक है। और मुझे आज पार्लर भी जाना है, थोड़ा घर का क्लीनिंग भी करना है, देवस का स्टडी बहुत पेंडिंग है। दीपावली में बहुत स्टडी दिया था टीचर ने, लेकिन मैं बीमार होने की वजह से उससे करवा नहीं पाई, तो अभी उससे स्टार्ट करना है, क्योंकि सोमवार को स्कूल स्टार्ट होगा, मतलब ऑनलाइन ही, लेकिन होमवर्क दिखाना पड़ेगा, इसलिए उसका होमवर्क भी कराना है और बहुत सारे काम है। दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो अब मुझे बहुत सर्दी भी हो चुकी है, बहुत कफ हो चुका है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। आपको मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं आती होगी। देवंश के पापा भी ऑफिस गए हैं और मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि खाना बनाना था उनके लिए। तो कल एकादशी थी तो वो व्रत खोलना था, तो इसलिए दाल राइस वगैरह ऐसा बनाना था टिफिन के लिए, तो वक्त लगेगा, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी और रात को सोई थी 1 बजे, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। कमर का जो जला हुआ है वो बहुत पेन खुजली आ रही थी, उसके ऊपर पेन भी हो रहा था, तो 1 बज चुके थे मुझे सोते सोते। तो आप देख सकते हैं हमारा लंच रेडी है, चपाती जो मैंने अभी बनाई सुबह बनाई थी, घेवड़ा वाल की सब्जी, ये आलू की सब्जी जो देवांश को बहुत पसंद है इसलिए मैंने अभी बनाई है, ये दाल। और देवांश यहाँ खाने के लिए आ चुका है, उसे बहुत भूख लगी थी। से हाय देवांश, इधर देख, हाय। ओके, अभी हम करेंगे हमारा लंच, आ जाओ सब लंच करने के लिए। सो गाइस, अभी 4 बज चुके हैं और देवांश की स्टडी अभी ख़त्म हो चुका है। देवांश स्टडी कर रहा था और अभी देखो देवांश क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, चिप्स। देवांश को भूख लगी तो मसाला मस्ती चिप्स हमने भी मार्च से लाया था, 35 का। और देवांश अभी एक आ रहा है और हमें चाय भी बनाने के लिए रखी है। सो गाइस, अभी लगभग 5 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ पार्लर देवांश को लेके, और मेरे हालत ख़राब हो गई क्योंकि घर की की नहीं मिल रही थी, चाबी नहीं मिल रही थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा था मैंने कहाँ रखी है। तो कितने देर से, आधा घंटा हो गया तब से ढूंढ रही थी, और मिली भी तो कहाँ, पता है देवांश के टॉयज के अंदर, ये देखो इसके अंदर मिली, वो भी नीचे थी, और मैं सारा घर देख रही थी, सारा घर, और देवांश ने वहाँ पे रखी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ पार्लर देवांश को लेके। तो अभी हम निकले हैं पार्लर के लिए और देवांश अपने शूज पहना है, चप्पल पहनना, शूज रहने दे, चप्पल ले ना, नीचे रख दीजिए, और पहन मुझे हंसी आ रही बात, पहन मैं भी अपनी चप्पल पहन। से हाय सबको, चल चल आगे, चल चल, चल।
वहाँ की काजी टिका दिख रही है, वहाँ पे पार्लर उससे जा रहे हैं हम। चल इधर से, बिल्कुल हमारे घर के सामने वो पार्लर, वहाँ पे जा रहे हम। सो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ पार्लर से। आप देख सकते हैं मैंने आईब्रो कर लिया है। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगे, पर 3 मंथ से जाना चाहती थी लेकिन जाना ही नहीं होता था, तो फाइनली आ गई हूँ। और अभी कल सुबह अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी अभी निकला है तो रेड रेड रैशेस आ गए। कल सुबह अच्छा लगेगा, तो अभी खाना बनाने की तैयारी करनी है। क्या बनाऊँ पता नहीं है, गाँव से बहुत सारी सब्जियाँ लाए, उसमें से एक बना लूँगी। तो मिलते बाद में। सो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ इस ऑनियन की सब्जी, और इसका कचरा मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, और एक कुछ बची हुई है, हमसे इतना ख़त्म नहीं होगा, इसलिए मैं इतनी ही सारी सब्जी बना रही हूँ। और इसकी रेसिपी मैं डालने वाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्वाद रोजा, मराठी चैनल है, आप ज़रूर देख लीजिए। तो मैं सो गाइज, आज के हमारे डिनर में है ऑनियन की सब्जी, बाजरे की भाकरी, और ये दिवाली की मिठाई या कुछ। हाय गाइस, और ये 5:30 बजे ऑफिस से आए थे, तब से काम कर रहे थे, घर में भी काम चलता है। ये देखो यहाँ पे। Yes guys, तो आ जाइए आज का डिनर करने के लिए, और दिवाली भी यहाँ पे। सो गाइज, अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं, और देवांश का यहाँ पे होमवर्क चल रहा है देखो। और मैं उसका होमवर्क ले रही हूँ, और ये भी मुझे हेल्प कर रहे हैं उसके लिए। और अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो बाय 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 बाय। Like, share, and subscribe to our channel, guys. Bye-bye. Bye-bye.